स्टार्ट करें, आ जाओ। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम इकोनॉमिक्स के अंदर दूसरी यूनिट पे पहुंच गए थे, मनी एंड बैंकिंग। और हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर मनी, और मनी चैप्टर के अंदर हमने पहले दो टॉपिक किए थे, जिसमें हमने कहा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी। और मीनिंग ऑफ मनी के अंदर मैंने आपको सारी बातें लिखाई थी जो फंक्शन ऑफ मनी में भी आ जाती है। फाइन, वो मीनिंग ऑफ मनी के अंदर वो चारों जो मैंने बातें आपको लिखवाई थी, दे आर आल्सो कॉल्ड द फंक्शंस ऑफ मनी। फाइन, डिटेल में मैंने आपको डेफिनेशन दी थी। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। हमने कहा बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें गुड्स के बदले गुड्स दिए जाएं, और जिस इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम अपनाया जाए उस इकोनॉमी को बोलते हैं सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। ये बात भी मैंने आपसे कही थी, लेकिन बार्टर सिस्टम की कुछ ड्रॉबैक्स। बेसिकली कभी कभी आपसे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मनी, ऐसा पूछ लिया जाता है, जो कि बुक में नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, द डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम आर द एडवांटेज ऑफ मनी, दिमाग में रखना। कभी कभी आपका दिमाग यूज किया जाता है, कभी कभी सोचता है एग्जामिनर कि आपको कितनी पढ़ाई में नॉलेज आ रही है, वो पूछेगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मनी, मनी सिस्टम। ठीक है जी, तो मनी की जो एडवांटेजेस हैं वो वही होंगी जो डिसएडवांटेज हैं किसकी, बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो दो टॉपिक एक साथ कवर हो रहे हैं, तो आओ स्टार्ट करें डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहली आप लिखो फटाफट जल्दी से, आ जाओ फटाफट जल्दी से, हम आगे बढ़े और इसको खत्म करें, ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। सबसे पहली है लैक ऑफ डबल बार्टर सिस्टम। नहीं लिखवाया, अच्छा थोड़ा सा लिखवा रहा था, तो लिख लो बार्टर सिस्टम सीम्स SWMS वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इन विच वी कैन जस्ट गेट द गुड्स बाय गिविंग अदर गुड्स। बट इट इज वेरी हार्ड टू मेंटेन बार्टर सिस्टम because of the following drawbacks। और पहला drawback है lack of double coincidence of wants। लो ये पहला ड्रॉबैक है। फाइन, ये पहला ड्रॉबैक है lack of double coincidence of wants। वो जो मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था ना, आप हाथ में चावल की बोरी लेके निकले हो और आपको चाहिए शूज, सामने वाला मिला उसे चावल तो चाहिए पर उसके पास शूज नहीं है, और जो आपको मिला शूज वाला उसे चावल नहीं चाहिए। एक मिला उसके पास शूज थे, आपने बोला चावल ले ले भाई शूज दे दे, बोला नहीं चाहिए चावल, मुझे तो चाहिए गेहूं, आई नीड व्हीट, घर में रोटी के लिए गेहूं चाहिए, मुझे चावल चाहिए नहीं। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, जो आपको चाहिए वो सामने वाले को नहीं चाहिए भाई, और जो सामने वाले को चाहिए वो आपके पास है नहीं, बैठे रहो भी लेके इसको, तो तब तक वेट करो जब तक वहां से डिमांड ना हो और आप अपना सामान देके और जो आपको चाहिए वो ले ना सको। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मेरी बात समझ, आपको जो चाहिए वो मार्केट में है लेकिन सामने वाले को भी वो चाहिए जो आपके पास है या नहीं, दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दोनों को सेम इच्छा होनी चाहिए। ठीक है जी, जैसे आपके पास राइस है उसके पास शूज है, आपको शूज चाहिए और उसको राइस चाहिए, ये तो हो गया काम सही। लेकिन आपके पास राइस है उसके पास शूज है, आपको शूज चाहिए पर उसको वीट चाहिए, तो फिर आप नहीं कर सकते काम। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो लिखो इसके अंदर पॉइंट जल्दी से, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इंप्लाइज
डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इंप्लाइज दैट इफ यू वॉन्ट अ गुड इन एक्सचेंज ऑफ योर गुड GOOD, समान की बात हो रही है, कॉमा देन यू हैव टू फाइंड आउट द पर्सन हु हैव दैट गुड नंबर वन एंड नंबर टू रेडी टू एक्सचेंज दैट गुड ठीक है जी सेम एग्जाम्पल वही आप लेके निकले क्या राइस और आपको बाय क्या करना है शूज आपके पास राइस है और आपके पास चप्पल नहीं है भैया शूज नहीं है नंगे पैर घूम रहे हो क्योंकि कोई तैयार नहीं हो रहा ये देखो आप राइस लेके निकले बाजार में क्योंकि पैसा तो है नहीं ना तो कॉइन्स है ना तो नोट्स है पैसा तो मार्केट में है ही नहीं हम पैसे के पहले की बात कर रहे हैं ना तो आप राइस लेके निकले 10 किलो राइस आप लेके निकले चलो चलते हैं जूते लेके आते हैं मार्केट से अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है आप गए पहले वाले आदमी के पास यहाँ पहला शॉपकीपर था इसके पास शूज है क्या इसके पास शूज है आपने इसको पूछा राइस ले लो टेक राइस एंड गिव मी शूज किसने क्या कहा नो आई नीड व्हीट मुझे क्या चाहिए व्हीट चाहिए भाई होगी पहली प्रॉब्लम आपके पास यानी आप अपना गुड लेके मार्केट में गए सामने वाले से आपने पूछा भैया शूज दे दो आपके पास शूज पड़े बोलता मुझे शूज चाहिए नहीं मुझे चाहिए व्हीट ठीक है जी और दूसरा आप दूसरे दुकानदार के पास गए सेकंड दुकानदार के पास गए एक और शॉपकीपर के पास गए इसको बोला आपने मेरे राइस ले लो और मुझे व्हीट दे दो क्या दे दो व्हीट दे दो फिर आप दूसरी दुकान पे गए आपने कहा तुम मुझसे राइस ले लो और मुझे क्या दे दो व्हीट दे दो किसे बोला नो आई नीड शुगर मुझे राइस नहीं चाहिए तो कैसे पूरी करोगे अपनी वॉन्ट्स कैसे पूरा करोगे बाटर सिस्टम अपनी जिंदगी को जब तक ऐसी कोई इंसिडेंस नहीं बनेगा ऐसा डबल कॉन्फिडेंस कि आप जिस सामान को लेके मार्केट में जाओ और सामने वाले को भी वही चाहिए हो और सामने वाले को तो हो जो आपको चाहिए दो बातें एक साथ होनी चाहिए एक तो उसके पास सामान होना चाहिए और एक से उसकी चाहत होनी चाहिए इसके पास सामान है पर इसके पास उस चीज की डिजायर नहीं है इट इज नॉट प्राइस देखा दो बातें हो रही है ही हैज दैट गुड जो आपको चाहिए आपको शूज चाहिए इस शॉपकीपर के पास शूज है लेकिन ही डज नॉट नीड राइस नाउ राइस नहीं चाहिए भाई तो ये पहली प्रॉब्लम थी द फर्स्ट बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ पार्टनर सिस्टम विच इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स एक दूसरे की वॉन्ट्स जब तक आपस में मिलेंगी नहीं तब तक हम एक्सचेंज कर नहीं पाएंगे और फिर नंगे पैर में घूमना पड़ेगा विदाउट शूज और आज कितना आसान है जेब में 150 रुपए पाए और जाके जूती ले आए 150 रुपए की मिलती ना मार्केट में 150 रुपए की 200 की मिलती है 300 की मिलती है ना जाओ मार्केट से ले आओ तो कितना आसान हो गया मनी के आने से तो अब आपसे कोई पूछे ये थी डिसएडवांटेज लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम पहली और आपसे कोई पूछे राइट द एडवांटेज ऑफ मनी सिस्टम तो इसी को उल्टा करके लिखोगे आप इसी को घुमा के आप लिख सकते हैं ठीक है जी तो वो आपको अपने आप कर लेनी आ जाओ सेकंड नंबर टू ये है नंबर टू दूसरी वाली लिखो लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू लैक ऑफ
ये एग्जांपल देना है यहाँ पे, ये एग्जांपल दे के काम करना, पूरा ऐसे मत छोड़ देना, कम से कम दो से तीन लाइन में एग्जांपल दोगे आप, फिर खत्म करना इसको, अगर आ गया पेपर में तो ऐसे मत छोड़ा ना। मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने, ये दो एग्जांपल आप दे सकते हो फिर ही काम होगा। फाइन, आ जाओ फटाफट। दूसरा है लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। देखो इन बार्टर सिस्टम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स। ये देखो, ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है जी, ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के अंदर आप समझो ना, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलो मान लिया आप घर से निकले, आपके पास था राइस, आप गए दुकान पे, शॉपकीपर पे, इसके पास थे शूज, यू वांट टू बाय द शूज एंड टू गिव द राइस। आपने राइस दिए और यहां से शूज लिए, लेकिन समस्या ये है कि कितने राइस दें शूज के लिए। आज तो आपको मालूम है, अजुती 150 दी, अजुती 200 दी, एवरेज 300 दी, अजुती 400 दी, जो चाहिए वो ले, यही करते ना। 150 की आती है, 100 रुपए की भी आती है, दिल्ली में 50 रुपए की भी आती है ना। मालूम है कि ये पैसे लिखे हुए हैं, कितने के देंगे और जनाब से शूज ले लेंगे, खासकर जो आप लड़कियों की चप्पलें आती है 100 रुपए की, 50-10 की, देखा ना लगे हुए कितने बोर्ड लगे हैं भरे भरे मार्केट के अंदर, 100 रुपए में 100 रुपए में, कोई लेने वाला भी नहीं, खाने वाले बहुत है, लेने वाला कोई नहीं। लोग खाते जरूर है पर लेते जूती कोई नहीं, ठीक है जी। लो इधर देखो, अब यहां सुनो मेरी बात, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अरे भाई शूज तो मिल गए, वो रेडी भी है, ही इज रेडी टू टेक द राइस, सब हो गया, पर कितना दोगे भाई? वो मांगेगा 50 किलो, दे दोगे शूज के लिए? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, ये भी एक लड़ाई थी भाई, कितना नापे तेरे शूज के बदले में, कितने चावल दू? अभी तो मालूम है प्राइस का, पहले तो प्राइस कुछ था नहीं, अभी जो तुम्हारे वो जो दू बोल देगा वो देना पड़ेगा, वो बोलेगा 100 किलो दे दो। अभी आप तो बिना नंगे पैर घूम रहे हो, कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं, आपको तो शूज की सख्त जरूरत है, तो फिर वो एक जोड़ी शूज के लिए अगर वो 100 किलो राइस मांगेगा वो भी आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि देर इज नो सर्कुलेशन ऑफ मनी, देर इज समथिंग कॉल्ड मनी विच इज नॉट देयर, तो जो वो मांगेगा वो देना पड़ेगा। ये दूसरी प्रॉब्लम थी, क्या? लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। यू कैन नॉट मेजर द वैल्यू ऑफ समथिंग विच यू नीड एंड टू गिव अदर गुड्स, दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो लिख लो फटाफट जल्दी से। इन बार्टर सिस्टम इट इज वेरी डिफिकल्ट, कहां तक लिख लिए? लाइक, आगे लिखो, लाइक इन द अबव एग्जाम्पल, इफ यू हैव राइस, ऊपर वाले एग्जाम्पल में, सेम एग्जाम्पल में, इफ यू हैव राइस एंड यू फाउंड समवन हु इज रेडी टू टेक द राइस एंड गिव द शूज, then the next problem arise is then, suno, if you have rice and you have found someone who is ready to take the rice and give you shoes, मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जो मैं ऊपर एग्जाम्पल दिया था यही सेम मैं यहां समझा रहा हूं ना। मैं बोल रहा हूं लाइक इन द अबव एग्जाम्पल, यू हैव राइस एंड यू हैव फाउंड समवन हु इज रेडी टू टेक द राइस एंड गिव यू शूज। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ मच राइस यू हैव टू गिव फॉर अ पेयर ऑफ शूज। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, देखो आप, the next problem is how much rice you have to give for a pair of shoes. How much rice you have to give for a pair of shoes? ठीक है जी, फाइन, हो गया सेकंड, ये सेकंड ड्रॉबैक था। आ जाओ ड्रॉबैक नंबर 3 लिखें,
लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ड्रॉबैक नंबर तीन लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ठीक है जी, ये तीसरा ड्रॉबैक है। पापा को मालूम है बेटे की शादी करनी है, जब बेटी आठवीं क्लास में है या पांचवीं क्लास में है पापा थोड़ा 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 करके पैसा जोड़ना शुरू करते हैं, चलो आज बेटी के नाम पे एफडी करा दो, फिर बेटी के नाम पे थोड़ी और एफडी करा दो, फिर थोड़ा और पैसा जोड़ दो, आज इसके नाम पे गोल्ड करवा दो, ऐसे करते हैं ना पापा, हर एक पापा ऐसा करते हैं। ठीक है, क्या स्कोर करते हैं पापा, क्योंकि पैसा है। सोच के देखो, पैसा ना होता, पापा के पास चावल होते, पापा के पास वीट होता, और पापा को मैरिज के लिए पैसा इकट्ठा करना होता, मतलब सामान इकट्ठा करना होता, तो पापा क्या स्टोर करते, क्योंकि शादी तो 20 साल के बाद होनी है, अभी आपकी एज 5 साल, मान लो 20 साल के बाद मैरिज होनी है, पापा क्या चीज स्टोर करते, राइस स्टोर कर सकते थे 20 साल तक, वीट स्टोर कर सकते थे 20 साल तक। ये तीसरी बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम, यू कैन नॉट स्टोर समथिंग, जो है वही खत्म हो जाएगा 6 महीने में, आपके पास जो कुछ भी है वो 6 महीने से साल में खत्म हो जाएगा, हम स्टोर नहीं कर सकते। पैसे के साथ प्लस पॉइंट क्या है, यू कैन मेक अ एफडी एंड कीप इट फॉर 10 इयर्स, फॉर 20 इयर्स पैसा पैसा ही रहेगा, पैसे को आप स्टोर कर सकते हो। और अगर आप चोरी का पैसा अपने पास रखते हो और उसे भी स्टोर करते हो, तो आप अपने सिरानों के अंदर, अपने बेड में, अपनी अलमीरा में जितना मर्जी पैसा दबा के रख सकते हो, पैसा पैसा रहेगा। हाँ, जब तक मोदी जैसा कोई नहीं आएगा और उस पैसे को साफ नहीं कर जाएगा, तब तक वो पैसा पैसा रहेगा। हाँ, ऐसा पीएम आएगा तो वो जितना भी पैसा अलमारी में पड़ा था फिर वो नाली में फेंकना पड़ेगा, लेकिन तब तक वो पैसा पैसा है। इट मींस, छोटी सी बात समझने वाली ये है कि हम बार्टर सिस्टम के अंदर चीजों को स्टोर नहीं कर सकते, और मनी के अंदर हम उसे मनी को स्टोर कर सकते हैं, जब तक चाहे तब तक, उसकी वैल्यू भी नहीं घटती। मालूम है आपको, 100 का नोट 100 का ही रहेगा। वो बात अलग है कि मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी, जो सामान पहले 100 में मिलता था अब वो 1000 में मिलेगा, लेकिन 100 रुपए का नोट तो 100 रुपए का ही रहेगा ना, उसकी वैल्यू तो नहीं घटेगी ना। जो 10 का नोट है वो 10 का रहेगा, जो 500 का नोट है वो 500 का ही रहेगा। वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या डिफ्लेशन आएगा वो बात की बातें हैं, मनी की वैल्यू कभी नहीं घटती। तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। और अगर आपने अनाज को गलती से स्टोर कर लिया ना, अनाज को, और आप बने बहुत सियाने और आपने कनक के अंदर ये दवाई डाल वो दवाई डाल सब कुछ भी कर लो, जो आपका दिल करे कर लो, एक साल के बाद वो अनाज खराब हो जाए, उसकी स्टोरेज वैल्यू है ही नहीं, एक साल से ज्यादा आप गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन मनी को आप 10 साल के लिए भी स्टोर कर सकते हो। ये आ गया तीसरा ड्रॉबैक, लिखो फटाफट जल्दी से। अंडर बार्टर सिस्टम BARTER बार्टर सिस्टम, अंडर बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर द वैल्यू ऑफ योर गुड्स फॉर फ्यूचर यूज। Because most of the commodities, COMMODITIES, most of the commodities like wheat, rice, fruits, and etc are non-durable goods, मालूम है ना non-durable क्या होता है, जिनकी life कम होती है, पढ़ा है ना आपने पहले chapter में, are non-durable goods, if you store them, अगर आपने ऐसी गलती कर भी दी कि store करेंगे, if you store them their quality will decline, hence the value will also decline।
फिर उसकी वैल्यू भी गिर जाएगी। क्लियर है ना पॉइंट? बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहे हैं पॉइंट। कोई ऐसा हार्ड पॉइंट अभी तक तो आया नहीं जो आपके समझ में ना आ रहा हो। तीनों पॉइंट समझ में आए आपको? तीनों समझ में आ रहे हैं पॉइंट हमने क्या लिखा है? सिंपल लैंग्वेज है। आ जाओ एक और लिखे, एक और लिखे। लैक ऑफ पॉइंट नंबर फोर, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, DEFED, DEFERRE, डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। वही मैंने आपसे कहा जब पैसा आया तभी ये लोन का सिस्टम स्टार्ट हुआ। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये लोन फैसिलिटी, ये फैसिलिटी, ये सब पता कब स्टार्ट हुआ? जब पैसा आया। पैसा आने से पहले लोग किसी को भी लोन ला नहीं देते थे क्योंकि मालूम ही नहीं है। आज आप मुझसे एक बोरी चावल ले जा रहे हो, क्या वापस करोगे भाई? एक बोरी चावल अभी आप कैसे वापस करोगे? किस तरीके से? क्या क्या ब्याज लगाओगे? क्या इंटरेस्ट लगाओगे? क्या प्रिंसिपल होगा? तो ये जो सिस्टम था बार्टर सिस्टम के अंदर, बार्टर सिस्टम में ये डेफर्ड पेमेंट का सिस्टम था ही नहीं। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है द पेमेंट यू मेड इन फ्यूचर, जिसे आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, यानी लोन। लोन क्या होता है? यू टेक लोन फॉर 30 ईयर्स और 20 ईयर्स और 10 ईयर्स एंड यू पे आफ्टर 10 ईयर्स। और आप क्या पे करते हो तब तक? इंटरेस्ट पे करते हो। आज बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो क्या करते हो आप? लोन के साथ साथ प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे करते हो और बैंक आपको 10 साल के लिए हाउस लोन दे देता है। यही होता है ना आपके साथ? लेकिन जब पैसा नहीं था मार्केट में, सोच के देखो, आप बैंक में जाओ और बैंक से मांगो मुझे घर बनाने के लिए कुछ चाहिए, क्या देगा बैंक आप? आई नहीं बैंकिंग सिस्टम। पैसे के बिना बैंकिंग सिस्टम बन ही नहीं सकता। क्या स्टोर करोगे बैंक में? क्या डिपॉजिट करोगे? क्या विड्रॉ करोगे? सोच के देखो। मीन्स इफ देर इज नो मनी देर इज नो बैंक। बैंक का करोगे क्या? बैंक काम क्या करता है? टेक योर कैश डिपॉजिट, आप कैश डिपॉजिट करते हो, शी कम्स एंड विड्रॉ द कैश। यही तो करता है बैंक। आप लोगों से डिपॉजिट लेता है और आप ही लोग उसको आगे विड्रॉ कर लेते हैं। आपसे पैसा इकट्ठा करता है, आपको थोड़ा ब्याज देता है, उस पर खूब सारा ब्याज कमाता है और इसको लोन दे देता है। यही बैंक की इनकम है, यही करता है ना बैंक। तो जब ऐसा कुछ था ही नहीं, अब बैंक में क्या रखोगे? चावल रखोगे? गेहूं रखोगे? शुगर रखोगे? क्या रखोगे बैंक में? तो बैंकिंग सिस्टम ही नहीं था। ऐसा सिस्टम ही नहीं था जिसके अंदर हम डेफर्ड पेमेंट कर सके। कब? जब बार्टर सिस्टम था। ठीक है, चलो लिखो थोड़ा जल्दी से, आ जाओ आगे लिखो। अंडर बार्टर सिस्टम, अंडर बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू एंगेज, अंडर बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू एंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट्स, इन कॉन्ट्रैक्ट्स which involve future payments, even यहां तक कि जो लोग काम करते थे workers, आज एक आदमी पूरा महीना काम करता है, full month काम करता है, आप उसे क्या मिलता है last में? salary मिलती है, मिलती है ना salary? बार्टर सिस्टम में क्या देते होंगे और कैसे कैलकुलेट करते होंगे? सैलरी भी तो फ्यूचर पेमेंट है ना। पूरा महीना काम करने के बाद क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। आज मालूम है इसकी सैलरी 1 लाख है, इसकी सैलरी 50,000 है, ये 2 लाख सैलरी कमा रही है, वो 3 लाख सैलरी ले रहा है। ऐसे होता है ना आज की तारीख में, क्योंकि मनी वैल्यू है हमारे पास, समथिंग विच इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ऐसा एक करेंसी है जिसे हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन सोच के देखो बार्टर सिस्टम के टाइम पे कैसे सैलरी मिलती होगी? तब सैलरी सिस्टम था ही नहीं, कोई ऐसा सिस्टम था ही नहीं कि आप किसी को फ्यूचर में पेमेंट कर सको। तब लोग काम करते थे और दिहाड़ी में ही काम करते थे। आज काम किया ये पकड़ 2 किलो चावल, चलता बन। तूने आज ये वाला काम किया तो ये पकड़ 2 किलो शुगर, तू घर को जा। पहले ऐसे लोग काम करते थे क्योंकि मालूम नहीं था कि मुझे महीने के बाद क्या सैलरी मिलेगी, मैं किस चीज के लिए काम कर रहा हूं। तो ये वाली प्रॉब्लम थी। अगर मान लो आपने किसी जगह नौकरी कर भी दी तो वो क्या देगा आपको?
10 किलो चावल, 5 किलो शुगर, 10 किलो दालें, ऐसे ऐसे ये देगा, आप कैसे काम, सोच के देखो कैसे काम करोगे। तो कोई भी डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट बार्टर सिस्टम में थी ही नहीं। बार्टर सिस्टम के अंदर फ्यूचर पेमेंट वाला कोई भी कंसेप्ट था ही नहीं, और उस कंसेप्ट को बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। कौन सा कंसेप्ट है? डेफर्ड पेमेंट। तो एग्जाम्पल लिख लो, फॉर एग्जाम्पल इसमें लिख लो, फॉर एग्जाम्पल लाइक टूडे वी हायर वर्कर्स एंड पे देम सैलरीज से ₹20,000 per month। जस्ट इमेजिन हाउ यू विल फिक्स अ सैलरी इन बार्टर सिस्टम। जस्ट इमेजिन हाउ यू विल फिक्स अ सैलरी इन बार्टर सिस्टम। सो द कंसेप्ट ऑफ सैलरी ब्रैकेट, द कंसेप्ट ऑफ सैलरी ब्रैकेट लगाओ, उसके आगे लिखो डेफर्ड पेमेंट। द कंसेप्ट ऑफ सैलरी ऐसे करके लिखना, जहां लिखोगे सैलरी साथ में लिखना डेफर्ड पेमेंट ऑब्लिक फ्यूचर पेमेंट। द कंसेप्ट ऑफ सैलरी इन ब्रैकेट में डेफर्ड पेमेंट ऑब्लिक फ्यूचर पेमेंट वॉज नॉट देयर, ये कंसेप्ट ही नहीं था, सैलरी का कंसेप्ट था ही नहीं। ये सैलरी का कंसेप्ट तभी आया जब पैसा आया, उसके पहले ये कंसेप्ट नहीं था। ठीक है जी, ये इसकी चौथी ड्रॉबैक थी। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़े फटाफट जल्दी से और नए टॉपिक की तरफ चलें, फॉर्म्स ऑफ मनी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज इस टॉपिक को भी खत्म करना है, फॉर्म्स ऑफ मनी, और इसे खत्म करके हम आगे बढ़ जाएंगे, या टाइप्स ऑफ मनी कह लो या फॉर्म्स ऑफ मनी कह लो। क्या लिखा है तुमने टॉपिक में? फॉर्म्स ऑफ मनी, कितने तरह के पैसे होते हैं लो। तो सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहला वो है नंबर वन इज लीगल टेंडर मनी। हेडिंग लिखो पहले, टाइप्स ऑफ मनी कर लो या फॉर्म्स ऑफ मनी, ये लो हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ मनी, कितने तरह का पैसा होता है, टाइप्स ऑफ मनी, या लिख सकते हो फॉर्म्स ऑफ मनी, ये हेडिंग है, ये आपकी हेडिंग है। सबसे पहले लिखो लीगल टेंडर मनी, सबसे पहला क्या है लीगल टेंडर मनी। इसे लीगल टेंडर के साथ साथ दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, इसे बोलते हैं फिएट मनी, और ये नाम पेपर में आता है। अब जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, जो टॉपिक आप कर रहे हो, इसमें से 150% एक क्वेश्चन आएगा, 150% इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। जो गिर रहा है वो समझ जाए, प्लीज गिरो मत, जो गिर रहा है वो संभले, ये बुक्स को यहां रख दिया करो ताकि गिरे नहीं, आ जाओ इधर। तो सबसे पहले जो मनी है वो लीगल टेंडर मनी। अगर आप किसी ने वो भाषण सुना हो, सुनो मेरी बात, इधर सुनो गौर से, अगर आप में से किसी ने वो भाषण सुना हो जो मिस्टर मोदी ने दिया था जिस दिन नोटबंदी की थी, उन्होंने कहा था आज रात 12 बजे के बाद 1000 रुपए का जो नोट है, 1000 का नोट था ना, 1000 और 500 का, 1000 रुपए का और 500 रुपए का जो नोट है वो आज रात 12 बजे के बाद लीगल टेंडर नहीं रहे। सुना था आपने बात उन्होंने कही थी? 2016 में था। यस, आप ये बात दोबारा से यूट्यूब पे जाके लेक्चर सुनोगे अगर, तो उन्होंने कहा था आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं वो अब भारत सरकार के लीगल टेंडर नहीं रहे। तो इसका मतलब ये हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी?
लीगल टेंडर मनी क्या होता है, सुनो मेरी बात, लीगल टेंडर मनी क्या होता है, वो पैसा, वो मनी जो हर किसी को बाय फोर्स एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मतलब आज आप किसी को अगर सिक्का दो वो मनलने से मना कर दे तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हो। अगर आप किसी को 5 रुपए का नोट दो और सामने वाला बोले मैं 5 का नोट नहीं लूंगा, आप उस पर केस कर सकते हो, क्योंकि वो लीगल टेंडर मनी है, दैट वॉज लीगली इशूड बाय द गवर्नमेंट, कोई उसे मना नहीं कर सकता। नो बॉडी कैन रिफ्यूज टू टेक दैट मनी, नो बॉडी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट मनी, दैट इज कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। अभी बात समझ रहे हो? हेलो, रट्टा नहीं मारना, पक्का आएगा पेपर में। ये 5-6 तरह की मनी है, एक नहीं, ये कंफ्यूज रहता बंदा आगे जाके, इसलिए पहले से समझो क्या बोलते हैं इसे, फिएट मनी, या क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी। तो लिखो जल्दी से, फटाफट लिख लो एक लाइन, द मनी विच इज इश्यूड, द मनी विच इज इश्यूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी, MONETARY, मॉनेटरी अथॉरिटी, और गवर्नमेंट, विच इज इश्यूड बाय और गवर्नमेंट, विच इज इश्यूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी और गवर्नमेंट, एंड विच कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, एंड विच कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय एनी पर्सन, फॉर एनी ट्रांजेक्शन, एनी पर्सन फॉर एनी ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। In India, it is Indian rupees and coins. In India, it is Indian rupees and coins. In America, it is United States dollar, USD. ठीक है जी, अमेरिका में डॉलर नहीं चलते, अमेरिका में यूएसडी चलते हैं। डॉलर तो बहुत सारे देशों में चलते हैं, अमेरिका में क्या चलता है, यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, वो अलग है ना, हाँ वो अलग है। डॉलर तो हर कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडा में कनेडियन डॉलर, लेकिन अमेरिका में चलते हैं वो है यूएसडी, और वो सारे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड है। कनाडा में वहां चलते हैं पॉन्ड्स, चलते हैं आपके यूके में, सिर्फ ब्रिटेन के अंदर, और जो यूरोप है वहां चलती है यूरो, वहां यूरो चलती है, लेकिन सारा जो यूरोप है वो अब एक हो गया, उन्होंने अमेरिकन डॉलर को हराने की बहुत कोशिश की है, जो कि वो नहीं कर पाए। अमेरिकन डॉलर जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और एक ही ऐसा पैसा है जिसपे लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट, एक ही ऐसा पैसा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, जिसमें लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट, हमें भगवान पे विश्वास है, और वो है सिर्फ अमेरिका का पैसा, बाकी किसी भी पैसे पे भगवान का नाम नहीं है, सिर्फ एक ही पैसे पे भगवान का नाम है, वो है अमेरिकन डॉलर। आप चेक करना जाके अगर कहीं पढ़ा है तो, उस पर लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट, यानी अमेरिकन हमसे ज्यादा भगवान को मानते हैं, उन्होंने पैसे भी बात लिखी है, और वो पैसा अमेरिकन डॉलर दुनिया के किसी भी कोने में एक्सेप्टेड है, दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिकन डॉलर एक्सेप्टेड है। आप मानो कि किसी जंगल में भी चले जाओ, अगर वहां फॉरेन एक्सचेंज है तो अमेरिकन डॉलर आपसे कोई ले लेगा और आपको पैसे दे देगा। बाकी कोई भी करेंसी ऐसी नहीं है जो पूरे वर्ल्ड वाइड, इवन यहां तक कि ब्रिटेन का पॉन्ड भी एक्सेप्टेड नहीं है, यूरोप की यूरो भी एक्सेप्टेड नहीं है। आप देखो कि किसी भी करेंसी के अंदर ऐसी ताकत नहीं है, सिर्फ या सिर्फ एक ही करेंसी में वो ताकत है जो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में एक्सेप्टेड हो जाएगी, वो है आपका यूएसडी। तो यूएसडी जो यूएस डॉलर है वो यूएसए में क्या माना जाएगा, लीगल टेंडर मनी। इंडिया में कौन है लीगल टेंडर मनी, इंडियन रुपीज और कॉइन्स, कॉइन्स भी लीगल टेंडर है। तो कल कोई दुकानदार आपसे मना करे कॉइन नहीं लेना, तो आप कह देना ये लीगल टेंडर है, तू एक बार ये मना कर रहा है, मैं इसकी फोटो खींचूंगी और उसकी वीडियो बना के डाल दूंगी, तो जेल हो जाएगी। कुछ दुकानदार मना करते हैं 10 रुपए का कॉइन लेने से,
बस नेक्स्ट टाइम मना करें, नेक्स्ट टाइम मना करें तो उसे बोल देना हम इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, हमें मालूम है इलीगल टेंडर मनी है, ये गवर्नमेंट ने इश्यू किया है, आप मना नहीं कर सकते। आपको मालूम है जो सिक्के होते हैं, सिक्के मैं आपको बताता हूँ, जो सिक्के होते हैं, सिक्के एक से लेकर दस तक, वो सिक्के इशू होते हैं अलग अलग कोई इशू करता है, और जो नोट्स होते हैं वो अलग इशू करता है। मैं आगे समझाऊंगा सप्लाई ऑफ मनी के अंदर, ठीक है। ये गवर्नमेंट कौन इशू करता है, नोट्स कौन मार्केट में लेके आता है, सारी बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शनल मनी, ये है दूसरा OPTIONAL, ऑप्शनल मनी, या इसे एक और नाम से बुलाया जाता है, एक और पैसा है फिड्यूशरी मनी, इसे कहते हैं फिड्यूशरी मनी, FIDUCARY, इसे भी इस नाम से बुलाया जाता है और यही नाम पेपर में आता है, भूल नहीं जाना, फिड्यूशरी FIDUCARY फिड्यूशरी मनी, या इसे ऑप्शनल मनी भी कहते हैं। अब ये कौन सा पैसा है, ये है आपके चेक जो आप इश्यू करते हो, बैंक ड्राफ्ट जो आप इश्यू करते हो, दिस इज कॉल्ड फिड्यूशरी मनी। ये बैंक जो आप ये चेक इश्यू करते हो ना, चेक किसी को चेक फाड़ के दे देते हो, सामने वाला चाहे तो मना कर सकता है। चेक एक्सेप्ट करना या फिड्यूशरी FIDUCARY फिड्यूशरी मनी, ये जो है ना चेक, ये एक्सेप्ट करते हैं लोग एक दूसरे के साथ जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, गवर्नमेंट का लीगल टेंडर नहीं है चेक। आप किसी को कल चेक दो ना, वो चेक लेने से मना कर सकता है, वो बोलेगा नो चेक नहीं चाहिए, सीधा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो बैंक के अंदर, या मुझे कैश दे दो। सही मायने में जो चेक्स होते हैं, जो बैंक ड्राफ्ट होते हैं, जो ये हुंडीज होती है, पहले हुंडीज होती थी, हुंडी होती, अब तो खैर नहीं है वो चीजें, ये सब जो होता है, दीज आर ऑल कॉल्ड फिड्यूशरी मनी, दे आर नॉट अ लीगल टेंडर ऑफ गवर्नमेंट, दे कैन बी एक्सेप्टेड और कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। वी आर एक्सेप्टिंग दिस मनी जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन टू पार्टीज, सिर्फ और कोई रीजन नहीं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो लिखो फटाफट जल्दी से, फिड्यूशरी मनी इज नॉट अ लीगल टेंडर मनी, फिड्यूशरी मनी इज नॉट अ लीगल टेंडर मनी, इट इज एक्सेप्टेड इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एंड द डिसीजन टेकन बाय द रिसीवर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एंड द डिसीजन टेकन बाय द रिसीवर, ठीक है जी। फिड्यूशरी मनी जो है ना, सुनो मेरी बात, लीगल टेंडर नहीं है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, चेक क्यों नहीं ले रहे हो मेरा, नहीं लेता भाई, और वो मना करते तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये मनी जो है ये ऑप्शनल मनी है, ये वो आपसे चेक ले रहा है क्योंकि सिर्फ म्यूचुअल ट्रस्ट है, उसे मालूम है कि चेक निकाली, चेक बाउंस हो गया तो वो कोर्ट में जा सकता है, बस इतना सा ही है, अदरवाइज वो आपसे चाहे तो चेक मना कर सकता है। आई बात समझ में, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट नंबर थ्री इज क्रेडिट मनी, आई होप समझ में आ रहा है आपको, है ना, समझ में आ रहा है ना, कुछ ज्यादा हार्ड तो नहीं है यार। क्रेडिट मनी क्या होता है, लिखो फटाफट जल्दी से, इट इज अ मनी वूज मॉनेटरी वैल्यू MONETARY, मनी से बना मॉनेटरी वैल्यू, हुज मॉनेटरी वैल्यू और फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स मटेरियल, is greater than its material, fine,
और लिखो और कमोडिटी, सुनो ये पहले होता था मालूम है, पहले पहले जो ये सिक्का होता था ना, सिक्का 1 रुपी 1 रुपए का सिक्का आता था ना पहले, कभी सिक्का किसने देखा पुराना सिक्का 1 रुपए का है किसी के पास? उसकी डबल परत थी, किसी के पास है पुराना सिक्का 1 रुपए का? याद है कितना मोटा सिक्का था, यानी 1 रुपए वाला, 1-5 की बात कर सकते हो पहले, आप तो 5 का बहुत पतला आ गया। 1 रुपए का सिक्का अगर पहले देखा है, सिल्वर कॉइन कहते हैं ना, चांदी का सिक्का है वो 1 रुपए का, उसमें चांदी लगी है, वो इतना मोटा सिक्का होता था, डबल परत थी, उसमें साफ नजर आता कि 2 परत है, 2 लेयर है, दिखती थी। तो पहले 1 रुपए के सिक्के को अगर आप पिघला लो, पिघलाओ और उसकी जो चांदी उसमें से निकलेगी उसकी वैल्यू उस 1 रुपए से ज्यादा होती थी, ये पहले, उसे बोलते हैं क्रेडिट मनी। ऐसा कोई भी पैसा जिसकी वैल्यू उसमें लगे हुए मटेरियल से ज्यादा हो जाए उसे हम क्या बोल देते हैं? क्रेडिट मनी। ये देखो यहां पे ऐसा होता था, ये वाला, ये वो 1 रुपए का सिक्का था। मीन्स हमने क्या लिखा, हमने लिखा द मनी वुज मोनेटरी और फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स मटेरियल, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा है उसमें लगे हुए मटेरियल से, यानी अगर आप उसे नहीं अगर आप उसे बेचोगे तो आपको 1 रुपए से ज्यादा मिलेगा। सिक्का 1 रुपए का है, सिक्का कितने का है? 1 रुपए का है, फाइन, सिक्का 1 रुपए का है और उसकी जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो ज्यादा है उसमें लगे हुए मटेरियल से। जब उसको सिक्के को पिघलाओगे और बेचने जाओगे तो आपको उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू थी? क्रेडिट मनी, ठीक है जी। तो इसमें हम सिक्के का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप लिख लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द मार्केट वैल्यू ऑफ मेटल द मार्केट वैल्यू ऑफ मेटल, मेटल मैंने वो मालूम है चांदी का सिक्का है ना, तो मेटल हो गया, द मार्केट वैल्यू ऑफ मेटल विद विच दैट 1 रुपी कॉइन इज मेड इन इंडिया। बस हम यही खत्म करेंगे, इसके आगे और भी 1, 2, 3, 4 मनी, 5 मनी है, वो 5 मनी मैं और अब आपको नहीं पढ़ाऊंगा, फिर आप फिर सो जाओगे, बस बहुत है, ठीक है, इतना ही आज के लिए बहुत है, बाकी हम कल करेंगे आगे, कल तो शायद आपके नहीं, आपका टेस्ट नहीं है, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी, चलो कल मिलेंगे बच्चों।